गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेलेकर व्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, उस कंट्री का नाम है सेंट ईस्टाटियस। नोन लोकली हैज स्टेटिया इज एन आइलैंड इन द कैरिबियन। इट इज़ अ स्पेशल म्यूनसिपालिटी ऑफ द नेदरलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम इसके क्लोजेस्ट कंट्री पे, तो इसकी क्लोजेस्ट कंट्री है बोनैर, साबा, अरूबा, सैन मार्टिन एंड वेनेजुला। अभी हम इसके पॉपुलेशन पे, तो इस आइलैंड कंट्री की पॉपुलेशन बहुत कम है, 3,293 ही है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम इसके कैपिटल पे, तो रंजिस्टेड इसका कैपिटल है। अभी हम इसके लैंग्वेज पे, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश एंड डच यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम इसके रिलीजन पे, तो रोमन कैथलिक एंड ईस्ट एशियन यहाँ पे है काफ़ी। जो पॉपुलेशन है 3,293, उसमें हाफ जो है रोमन कैथलिक है और रेस्ट ऑफ जो है ईस्ट एशियन है। अभी हम इसके वीज़ा पे, तो ऑब्वियसली हमें वीज़ा रिक्वायर्ड है इंडियंस को। वीज़ा पोर्टल में बता दूँ www.netherlandsworldwide.nl, आप इस पोर्टल पे जाके आपका वीज़ा अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड्स। अभी हम इसके वीज़ा फीस पे, तो 80 यूरोज़ है और इंडियन करेंसी में होते हैं 7,200 इसका वीज़ा फीस। अभी हम इसके प्रोसेसिंग पे, तो 10 to 15 बिजनेस डेज है प्रोसेसिंग टाइम। अभी हम इसके ड्राइविंग साइड पे, तो ड्राइविंग साइड है राइट, कॉलिंग कोड है +599599-3। अभी हम इसके करेंसी पे, तो करेंसी ऑब्वियसली USD है यहाँ पे, तो 87-88 होते रहते अप डाउन। अभी हम इसके मिनिमम एवरेज एंड हाई सैलरी पे, तो मिनिमम है 500 USD, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 43,500। एवरेज है 900 USD, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 78,000। हाई है 2,500 USD, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 2 लाख। अभी हम आते हैं इसके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, अगर हम बिजनेस या फिर वर्क पर्पज से जाते हैं इस आइलैंड पे, तो मैं जानना चाहिए अपार्टमेंट कॉस्टिंग्स और ग्रॉसरी का क्या है वहाँ पे रेट्स। ठीक है, तो क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, अगर टूरिस्ट पर्पज के लिए आप जा रहे हो तो नो नीड, आपको ये इसकी चिंता नहीं है कि अपार्टमेंट का कॉस्ट क्या है या फिर वहाँ पे ये क्या है, ग्रॉसरी की चार्जेस क्या है। लेकिन आप टूरिस्ट पर्पज से जाने के बाद आपका इंटेंशन बिजनेस या फिर वर्क के लिए है, तो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो मिल्क है USD में, जो भी मैं कहूँगा USD में कहूँगा कॉस्ट ऑफ लिविंग। मिल्क है 1 लीटर 1.75 USD। राइस है 1 kg $3, एग है 12 piece $3, टमाटो है 1 kg $3.25, पटेटो है 1 kg $3, ऑनियन है 1 kg $3, वाटर है 1.5 लीटर 2.75 USD। अपार्टमेंट पे आते, तो अपार्टमेंट है 1 bedroom in a city 450, आउटसाइड सिटी 400, 3 bedroom in a city 800, आउटसाइड सिटी 400। अभी हमें जाना है तो हम कैसे जाएं वहाँ पे, रूट क्या है, तो मैं आपको रूट रिवील कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुंबई दिल्ली से पेरिस, पेरिस से सैन मार्टिन, सैन मार्टिन से जो हमारा डेस्टिनेशन कंट्री है सेंट ईस्टाटियस। ठीक है, वहाँ पे सिमिलर लाइक दूसरी जो है वो है फ्लाइट मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से पेरिस, पेरिस, पेरिस से अटलांटा, अटलांटा से सैन मार्टिन, सैन मार्टिन से हमारा डेस्टिनेशन कंट्री। और थर्ड जो है मुंबई से या दिल्ली से एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम से सैन मार्टिन, सैन मार्टिन से फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, तो अभी डिफरेंस कहाँ पे है यहाँ पे फ्रेंड्स, अभी हमें डिफरेंस ये है कि जो एम्स्टर्डम वाला रूट है मैंने आपको बताया, उसमें हमें ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा, आपको सिर्फ एक ही वीज़ा लगवाना है जो है सेंट ईस्टाटियस का। ठीक है, और रेस्ट के जो दो रूट है, जो पेरिस से एक जा रहा है और एक पेरिस से अटलांटा, तो दोनों रूट में पेरिस का भी हमें ट्रांजिट वीज़ा लगेगा और अटलांटा का भी लगेगा। अगर आप पेरिस के रूट से सिर्फ जा रहे हो तो पेरिस का ट्रांजिट वीज़ा लगेगा, इंक्लूडिंग योर वीज़ा सेंट का, ईस्टाटियस का हमें टूरिस्ट वीज़ा लगेगा, तो दो वीज़ा लगेगा। अगर आप US से जा रहे हो तो US का ट्रांजिट वीज़ा लगेगा, मुंबई दिल्ली US, और US से फिर US इसलिए अटलांटा US का ही पार्ट है। ठीक है, एक जॉर्जिया स्टेट है, अटलांटा सिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप अटलांटा से जा रहे हो तो मुंबई से या दिल्ली से अटलांटा, अटलांटा का ट्रांजिट वीज़ा लगेगा आपको, फिर वहाँ से सेंट ईस्टाटियस। ठीक है, तो वहाँ का वीज़ा रिक्वायर्ड है, तो ट्रांजिट वीज़ा लगाना हो आपको और टूरिस्ट वीज़ा लगाना है। ठीक है, अगर KLM एयरलाइंस रिज्यूम हो जाती है, ओपन हो जाती है फ्लाइट इस रूट की, तो आप जा सकते हो, आपको सिर्फ ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगवाना है, आपको सिर्फ वीज़ा रिक्वायर्ड है सेंट ईस्टाटियस का। क्लियर फ्रेंड्स, तो आप थोड़ा ये कीजिए, वेट करें जब रिज्यूम हो जाते हैं KLM एयरलाइंस मुंबई एम्स्टर्डम या दिल्ली एम्स्टर्डम, फिर सेंट मार्टिन, सेंट मार्टिन से सेंट ईस्टाटियस, आप जा सकते हो, सिर्फ एक ही वीज़ा लगवाना है आपको। क्लियर फ्रेंड्स, ठीक है, और अब भी हम आते हैं इसके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पे।
तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट ऑब्वियसली हमें चाहिए, इंक्लूडिंग 6 मंथ्स वैलिडिटी तो चाहिए, तीन से चार पेज जो रह गए वो चाहिए, ठीक है, वो ऑक्यूपाइड नहीं चाहिए, वो ब्लैंक पेजेस चाहिए हमें, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा होटल रिजर्वेशन हो गया, रिटर्न टिकट्स हो गया, फिर आप जॉब पर्पस से जा रहे हो तो PCC सर्टिफिकेट लेके जाइए, मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाइए। आप वीज़ा जब भी अप्लाई करोगे कैरिबियन जो नैदरलैंड इसमें एम्बेसी का जो मैंने आपको पोर्टल बताया उस पोर्टल से आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको फिर वीज़ा के लिए फिर बैंक स्टेटमेंट भी लगेगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गया, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो गया, अगर आप जॉब करते हो तो फॉर्म 16 लगेगा, होटल रिजर्वेशन आपको कनेक्ट के ये अटैच करना है, राइट, ये सब भी लगेंगे। और डिफरेंट कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं फ्रेंड्स, जब भी हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमारा ही जो नेसेसरी हमारी हम डिटेल्स प्रोवाइड करें, राइट, तो डिटेल्स में यही लगेगा, रेस्ट ऑफ दूसरा बाहर की डिटेल्स तो नहीं लगेगी ऑब्वियसली, जो आपकी डिटेल्स है वही हमें देना है। अगर आप बिजनेस करते तो आपको 3 ईयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल लगेगा, ठीक है, फिर अगर आप जॉब करते तो फॉर्म 16 लगेगा, ये सब भी प्रूफ करना है काउंसलर को कि हम वहाँ पे एक्चुअली घूमने ही जा रहे हैं, हम फाइनेंशियली ठीक है, हमारे बैंक में पैसे है, सेविंग अकाउंट में पैसे लगे पड़े हैं, रखे हैं, हम फैमिली ट्रिप के लिए जा रहे हैं या इंडिविजुअल आपको घूमने घूमने जाना है तो आप जा सकते हो, ये सिर्फ प्रूफ करना है, ठीक है फ्रेंड्स। और जब भी आप टिकट्स बुक करोगे तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लेना, करेंसी एक्सचेंज करा लेना USD में, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन पे USD चलती है, एयरपोर्ट से कभी आप एक्सचेंज मत कराना क्योंकि एयरपोर्ट पे जो भी एक्सचेंज रेट रहता है काफ़ी हाई रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। और कोविड की सर्टिफिकेट रख लीजिए बैकअप के लिए, इनकेस पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं होनी नहीं चाहिए, राइट, एक डॉक्यूमेंट भी ही तो हमें हमारे पास रखना है, राइट फ्रेंड्स, ठीक है। और कुछ भी डाउट्स होगा, कुछ भी क्वेरीज होगी तो प्लीज़ कॉल मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ओके। तो अभी के लिए इतना है, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में, सचिन देगा ब्लॉग, हैव गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।